तेजी से बदलते समय में का व्यक्ति छोटी बीमारियों को लेकर गंभीर बीमारियों से घिर जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आजकल लोग तरह तरह की गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखें तो आसानी से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आज हम आपको बता रहे हैं लहसुन के बारे में। लहसुन गुणों का खजाना है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि लहसुन को सब्जी में डालने के अलावा इसकी चाय बनाकर भी पी जा सकती है। लहसुन में एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने की वजह से इसकी चाय सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। लहसुन की चाय कैंसर, दिल और अनेक तरह की बीमारियों से बचाने में मददगार होती है। आज हम आपको लहसुन के 4 फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। लहसुन की चाय का सेवन करने से शरीर में मौजूद जहरीले तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं हो पाता। इस वजह से व्यक्ति का वजन नियंत्रित रहता है। लहसुन एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, इसलिए सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होने का खतरा बहुत कम रहता है। लहसुन एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, इसलिए जब कभी भी दांतों में दर्द हो तो लहसुन का पेस्ट लगाने से दर्द दूर हो जाता है। अगर आप पेस्ट नहीं लगा सकते तो आप लहसुन की चाय का सेवन कर सकते हैं। लहसुन का सेवन करने से खून का संचार सही तरीके से होता है, जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। इससे दिल की बीमारियां होने का खतरा भी कम रहता है। लहसुन के सेवन से स्किन भी स्वस्थ रहती है। लहसुन में विटामिन ए, B1, B2 और सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन को स्वस्थ रखने में मदद करता है। लहसुन एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो फ्री रेडिकल होने से रोकता है। इससे व्यक्ति में कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। लहसुन के सेवन से पेट संबंधी बीमारियों से भी निजात पाया जा सकता है और पाचन तंत्र को भी मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए आप लहसुन की चाय बनाकर भी पी सकते हैं। लहसुन की चाय बनाने के लिए आपको चाहिए एक लहसुन की कली, एक गिलास पानी, कटा हुआ अदरक, एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच शहद। सबसे पहले आप पानी को उबालने के लिए गैस पर रख दें। जब पानी अच्छी तरह उबल जाए तो इसमें कटे हुए अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल दें। अब इसमें धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए उबलने दें। बाद में गैस बंद कर 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे छान कर एक चम्मच नींबू का रस और एक चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। ये आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।